भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें से एक सिख धर्म है। सिख धर्म मानने वाले केवल एक भगवान को मानते हैं और 10 पवित्र गुरुओं द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हैं। अमृतसर शहर दुनिया भर में बसे 2 करोड़ सिख लोगों के लिए धार्मिक और प्रशासनिक दोनों तरह की जिम्मेदारियां निभाता है, क्योंकि अमृतसर में सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र श्री हरमंदिर साहिब है, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से भी मशहूर है। यह एक आध्यात्मिक का केंद्र भी है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास जी ने अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। सिख धर्म में परंपरा है कि वो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, इसलिए गुरु रामदास जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति आस्था के कारण हिंदू और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे 17वीं शताब्दी में महाराजा जस्सा सिंह द्वारा बनवाया गया था। 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। 1984 में भिंडरवाला हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मंशा रखने वाला ने स्वर्ण मंदिर को ही अपने छुपने का स्थान बना लिया था। 10 दिन तक चले इस संघर्ष में अंततः सेना को अंदर घुसकर ही इस आतंकवादी को खत्म करना पड़ा था। जितनी बार भी गुरुद्वारे को नष्ट किया गया है और जितनी बार भी यह बनाया गया है, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान इस गुरुद्वारे को सालाना दान दिया करते थे। आज से लगभग 400 वर्ष पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं, जो 4 दिशाओं में खुलते हैं। ये चारों दरवाजे उस समय समाज में विभाजित चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। यह मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। परंपरा यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने पर बड़े बड़े रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के कर्मचारी बाल्टी से भक्तों पर पानी डालते हैं। गुरुद्वारे के कर्मचारी सरोवर का पानी श्रद्धालुओं में बांटते हैं। सरोवर के पानी को लगभग हर रोज बदला जाता है। गुरुद्वारे के बाहर दाईं ओर अकाल तख्त है। अकाल तख्त का निर्माण सन 1606 में किया गया था। यहाँ दरबार साहिब स्थित है। उस समय यहाँ कई अहम फैसले लिए जाते थे। संगमरमर से बनी यह इमारत देखने योग्य है। सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब स्वर्ण मंदिर में ही रखा गया है। सिख लोग इस पवित्र ग्रंथ को आखिरी गुरु मानते हैं। यह यहाँ होने वाले समारोह का हिस्सा होती है। शाम को धर्म ग्रंथ को तख्त पर सुखासना यानी आराम दिया जाता है। सुबह इसे वापिस जगह पर ले जाया जाता है और कोई भी पेज खोला जाता है, उसी दिन उसी पेज के हिसाब से प्रार्थना की जाती है। गुरु का लंगर में गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने की पूरी व्यवस्था होती है। यह लंगर 24 घंटे खुला रहता है। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लंगर में साथ मिलकर फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं। अनुमान है कि लगभग 40,000 लोग प्रतिदिन यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री रामदास सराय के गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। इसमें 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। इस सराय का निर्माण सन 1784 में किया गया था। यहाँ पर श्रद्धालु अधिकतम 3 दिन के लिए रुक सकता है। श्री हरमंदिर साहिब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नकाशी की गई है। हर मंदिर साहिब में पूरे दिन गुरबाणी की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। सिख गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। श्रद्धालु पहले मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर जाते हैं।
सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। सिख धर्म शांति, विनम्रता और बराबरी के लिए समर्पित है। सिख धर्म मानने वाले इन मूल्यों के प्रतीक पहनते हैं जिसमें पगड़ी, केस, कड़ा और कटार शामिल हैं। सिख धर्म का मानना है कि ईश्वर के सामने औरत मर्द में कोई फर्क नहीं होता। ये थी स्वर्ण मंदिर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना व वीडियो को लाइक व शेयर कर देना।